नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं BSF कैसे ज्वाइन करें, क्या योग्यता होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, BSF कैसे बने, पूरे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि BSF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है BSF का फुल फॉर्म। BSF ज्वाइन कैसे करें, आप सभी जानते हैं कि यह एक सुरक्षा बल है और यह दिन रात हमारे देश की बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। इन्हीं की मेहनत और लगन से आज हमारा देश सुरक्षित है और हम सब देश में शांति से रह रहे हैं। BSF में नौकरी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी भर्ती आने पर उसमें आवेदन करना होता है। जब आप इसमें आवेदन करते हैं तो उसके बाद ही आप आगे की सभी चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और BSF में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। BSF के लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। BSF में भर्ती के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10वां पास होना अनिवार्य है या किसी अधिकारी पोस्ट के लिए उसको जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। BSF के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, BSF ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष तक होनी चाहिए। भारत सरकार के निर्देशानुसार कुछ वर्गों में उम्र में छूट दी जाती है। उम्र में छूट OBC को 5 वर्ष की छूट, SC ST को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। BSF के लिए चयन प्रक्रिया, BSF के लिए आवेदन करने के बाद 3 चरणों में BSF की चयन प्रक्रिया रखी जाती है, जिसमें आपको BSF के एक योग्य जवान मिल सके। लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक और मेडिकल परीक्षण होता है और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक जवान का चयन किया जाता है। अगर आप इसमें नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन सभी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। मेडिकल टेस्ट, BSF में जवान का चयन करने के लिए पहले उसका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि जवान को नौकरी के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उसमें निम्न टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे आँखों का टेस्ट, सुनने की क्षमता, बोलने की शुद्धता, जानलेवा बीमारी की जाँच। फिजिकल टेस्ट, BSF में टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस नौकरी में सब कार्य शारीरिक स्वास्थ्य के कारण ही संभव है और युवाओं की नारियल शक्ति देखने के लिए उनका फिजिकल टेस्ट रखा जाता है। दौड़ 100 मीटर आपको 16 से 18 सेकंड में, ऊंची कूद 5 यानी 0.90 मीटर, लंबी कूद 3 मीटर और 5 मीटर, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। उसके बाद सारी प्रक्रिया पास करने के बाद उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है जो कि 200 नंबर का होता है। इसमें उम्मीदवार को काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा नॉर्मल ड्रेस पहने और कम बोले और किसी भी सवाल का सही जवाब दे। अगर आपको उत्तर याद न हो तो गलत जवाब बिल्कुल न दें। BSF का मासिक वेतन क्या होता है, कितना पैसा मिलता है। BSF के जवान का मासिक वेतन बहुत अधिक तो नहीं होता, फिर भी अच्छा वेतन दिया जाता है, 12,200 से 30,200 रुपये तक हो सकता है। अंत में सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों को चयन किया जाता है उन्हें BSF की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बाद में उन्हें BSF की पोस्ट पर नौकरी पर तैनात किया जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हम अगला वीडियो जो लेकर आएंगे आपके लिए वो है आर्मी कैसे बने, 10वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें, क्या योग्यता होना चाहिए, लंबाई और उम्र। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।